इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां डबल इंजन की सरकार में आजमगढ़ की छवि बदल रही है। पहले राजनीति की संकीर्ण सोच थी, सीएम योगी ने 143 करोड़ की 50 योजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि आजमगढ़ पहले पहचान का संकट था, आज आजमगढ़ की पहचान बदली है। पहले यहाँ के लोगों को बाहर अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। ये जिला राजनीति की संकीर्ण मानसिकता के चलते पिछड़ा रहा। सांसद चुनने के लिए आजमगढ़ के लोगों का हृदय से धन्यवाद दिया गया है। सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है, इस ऋण से उऋण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहां कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहां पर आया हूं और आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के तीन तीन मान्य सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण हैं, तीन तीन प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए इस महीने के लिए यहां पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं, और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर 50 विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 143 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं ही व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। 5 वर्ष पहले जब आजमगढ़ का नौजवान आजमगढ़ के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था, क्योंकि अगर वह ये बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं, तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था, और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी जो नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी, तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे, लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था, और आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो भाइयों बहनों, मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? आजमगढ़ की जो वर्षों से मांग थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए,
कहने के लिए बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए, लेकिन विश्वविद्यालय भी डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ को दिया। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है, और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र